जन स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 3 मजदूर नीचे दबे हैं। अग्निशमक के कर्मचारियों ने दबे मजदूरों को बाहर निकाला। 3 घायल मजदूरों को ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। 1 मजदूर की मौत। ये सीवर लाइन का काम चल रहा था जी हाँ, और जैसे जेसीबी खुदाई कर रही थी और ये लोग वो डाल रहे थे कंक्रीट मसाला वगैरह, उस अचानक एकदम से वो मिट्टी गिर गई और सीमेंट का जो रोड था वो गिर गया, उसके नीचे दब गए 3 आदमी जी। और एक को तो पहले ही निकाल दिया था यहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जी। उसके बाद 100 एम्बुलेंस को फ़ोन किया, 2 एम्बुलेंस आई, 1 फायर ब्रिगेड आई जी। और पहली एम्बुलेंस में जो सीरियस था, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या कंडीशन है, ट्रामा सेंटर लेके गई। कितने लोग थे? 3 लोग नीचे काम कर रहे थे। पुलिस कहीं आई हो? नहीं, पुलिस से पहले तो जा चुके थे, पुलिस अभी नहीं आई, जा चुके थे लोग। यही आया ठेकेदार, यहीं प्रेजेंट था। ठीक है, ठेकेदार, लेबर का ठेकेदार जो मेन ठेकेदार है वो अभी तक कोई नहीं सीनियर अधिकारी आया हो अभी तक कोई? भाई अधिकारियों के बारे में यहाँ भीड़ ज्यादा थी, ये नहीं पता कि अधिकारी है कि नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा थी उस वक्त। ठेकेदार था वो प्रेजेंट था, इनके साथ में सीवर लाइन डालने का कार्य कर रहे थे मजदूर। रामपुरा की घटना, मौके पर पहुंची रामपुरा पुलिस, जांच में जुटी। वाला है जो ये रामपुरा से गांव में जो सड़क निकली जाती है उसको सीवर का एक पाइप लाइन लगाने का काम चल रहा है, और इसमें लेबर नीचे 3 काम कर रहे हैं। कोई साइड मिट्टी टूटने से और कुछ कंक्रीट की पहले सीसी की सड़क बनी हुई थी वो टूटने से 3 मजदूर उसमें दब गए थे। जैसे हमें सूचना मिली तुरंत मौके पहुँचकर 3 मजदूरों को सर कितने लोग सुरक्षित हालत में ट्रामा सेंटर में पहुँचा दिया था एम्बुलेंस के थ्रू, और 2 ठीक हैं इनमें से मजदूर। 1 की अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो डेड ब्लड हो चुके हैं, वो अभी देखते हैं जैसी बात होगी आगे अगर पुलिस अपने